वंदे मातरम साथियों, हमारे सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 30 कॉलेजेस के समस्त विद्यार्थियों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से लगातार जितने कॉल्स हमें आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि छात्र छात्राओं, एक भी अगर विद्यार्थी को दिक्कत होती है तो मुझे लगता है कि हमें दिक्कत होती है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय समस्या आ रही है वह यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी हमें लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारा जो ABCID है वह नहीं बन पा रही है। और सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि उन कई सारे विद्यार्थियों, उसमें आधार कार्ड को रजिस्टर करना है और बहुत सारे विद्यार्थियों का आधार कार्ड में फोन नंबर गलत है, जिसको कि वो लोग लगातार ठीक करवा रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसमें जो फोन नंबर अब रजिस्टर होगा उसको होने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, और परीक्षा तिथि की लास्ट डेट कितनी है, ये ABCID बनाने की लास्ट डेट कितनी है, 19 तारीख, जो कि कल को है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमें फोन कर रहे हैं कि आज हमारी लास्ट डेट है, कल हमारी लास्ट डेट होने वाली है, तो हम लोग क्या करें, हमारी तो ABCID बन नहीं पाई, हम अपना फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी ये समस्या आगे ना रहे। साथियों, कल देर रात्रि मेरी एग्जाम कंट्रोलर सर से बात हुई, और वैसे आपको अगर याद होगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आज से 3-4 दिन पूर्व जो हमने वीडियो बनाया एग्जाम कंट्रोलर सर के साथ, उसमें हमने ABCID की बात करी है और यह जो समस्या आपकी आ रही है इस समस्या की भी बात करी है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग उस चीज को ना देख पाए हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बेफिक्र रहिए, जब तक आपका भाई SSJ के अंदर है, SSJU के अंदर है, तब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कल हमारी एग्जाम कंट्रोलर सर से बात हुई है और उनके द्वारा सर के लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह लोग हर समय, वह हर समस्या में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनके द्वारा जो उत्तर हमें बताया गया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी डेट को बढ़ा दिया जाएगा, 19 तारीख जो कि कल है, कल तक आप इंतजार करिए, जिन जिन के फॉर्म भरे जा रहे हैं आप लोग भरिए, उसके बाद आपकी डेट को बढ़ा दिया जाएगा। और जिनके साथ भी ये दिक्कत आ रही है कि उनका ये ऑनलाइन ABCID नहीं बन पा रही, उस आईडी को बनाने के लिए आपको पूरा पूरा समय दिया जाएगा। आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए कि आपका अभी अवकाश चल रहा है जो कि 9 तारीख तक है, आज 19 तारीख है, सीधे सीधे आपके पास 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन के अंतर्गत आपका कॉलेज नहीं खुलने वाला, तो आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, आपकी आईडी बनेगी, आप अपना ABCID भी बनाएंगे, आपका परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपका भाई हर परेशानी में, हर समस्या में आपके साथ खड़ा है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि हमारा ऑनलाइन जो फॉर्म है नहीं भरा जा रहा, आखिर क्यों। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी आप SSJU के पोर्टल पर जाते हैं तो आप लोग एक गलती क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आप उसे चुन लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग NEP के अंतर्गत आते हैं। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जो आपको ऑप्शन आता है, जिसमें कि तीसरा ऑप्शन जो है कि फर्स्ट सेम का NEP वाला ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे, उसके बाद आपकी आईडी भरी जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें कई बार साइबर कैफे में भी हो रही हैं, तो अब मैं आप चाहता हूं कि आप लोग उन्हें भी बताएं कि ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है आप लोग उसे क्लिक करें, उसके बाद आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बात आप लोग कह रहे थे कि 19 तारीख लास्ट डेट है, आप बेफिक्र रहिए, जिनके भी मुझे फोन आ रहे हैं, जो लोग भी हमें समस्या बता रहे हैं, आप लोग भी बेफिक्र रहिए, और जो इनका फोन हमें नहीं आ पा रहा, जो लोग इस बात से परेशान है, आप लोग भी बेफिक्र रहिए, आपका फॉर्म भरा जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल या परसों में वो लेटर भी जारी हो जाएगा जो कि हमारे द्वारा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और भी आपको अगर कोई समस्या आती है, बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या आ रही है कि ऑफलाइन एडमिशन करवाया था, फॉर्म नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो ये बात आप DNArts में जाकर कर सकते हैं या फिर हेल्प डेस्क से जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी आपको कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की समस्या में, किसी भी तरह की परेशानी में, केवल SSJ कैंपस के विद्यार्थी नहीं, SSJU के अंतर्गत आने वाले जितने भी 30 कॉलेजेस हैं, आप उसके अंतर्गत आने वाला हर विद्यार्थी मुझे किसी भी समय 24/7 कॉल कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हम सदैव आपके साथ खड़े थे। क्योंकि हम जो छात्र सर्वोपरि कहते हैं, वह केवल चुनाव के लिए नहीं कहते। आज मैं देखता हूं कि छुट्टियां चल रही, इतने सारे विद्यार्थी कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन एक भी बड़ा संगठन कॉलेज में नहीं है। और ये लोग, मुझे दुख होता है इन लोगों को देखकर, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारे खिलाफ जब ये लोग माहौल बना रहे थे कि ये लोग कॉलेज में नहीं रहते, तो मुझे ये चीज़ देखकर दुख होती है कि ये संगठन उस समय ये लोग कहाँ जाते हैं जब छात्र छात्राएं अपनी परेशानी में होते हैं। खैर, ये सब बातें अलग रही, आपके फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप जो आपके फॉर्म भर रहे हैं इसको आप NEP वाले ऑप्शन के तहत भरें, आपका फॉर्म भरा जाएगा। और भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिए या फिर SSJU के हेल्प डेस्क में आप कॉन्टैक्ट करिए। एकमात्र इस SSJU का एकमात्र विभाग है परीक्षा कार्यालय, जो कि जबरदस्त तरीके से काम करता है। हम दिन भर हेल्प डेस्क में रहते हैं, वहाँ बैठते हैं, छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।